ये रागनी उस समय की है कि सारा जमाना जानता है कि कौरव और पांडव जुआ खेले। ये जुए की लत जो उनमें लगी वो किसकी देन थी? मामा शकुनी की। ऐसी लत लगा दी कौरव और पांडवों को क्योंकि जब अंधे धृतराष्ट्र के साथ उसकी बहन की शादी हुई, वो सारी जिंदगी अंधे के साथ अंधी बन के रही। जिस समय शादी हुई थी उसी दिन शकुनी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि अगर हस्तनापुर का मैंने नाश नहीं करवा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। प्रेमी सजनों, दोनों दोनों चाचा ताऊओं के बेटों को जुआ खिलाता था। रोजाना जुए में ऐसे पासे डालता था कि कई दिनों तक पांडव जीते और कौरव हार गए। दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया और ये कहने लगा कि मामा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि पांडव जीते और मैं हारूं। ऐसे पासे डाल कि आज मेरी जीत हो। ऐसे अधर्म के झूठे पासे डाले कि पांडव एक पल में हार गए और कौरवों की जीत की हाहाकार हो गई। ठहाका मार के हंसा दुर्योधन और कहने लगा कि आज सारा बदला ले लूंगा, क्योंकि पहले दाव पर युधिष्ठर ने राजपाट को दाव पर लगाया, उसे हार गए। दूसरे दाव पर अपने आप को लगाया और तीसरे दाव पर अपनी धर्म पत्नी पांचाली द्रौपदी को लगा दिया, उसे भी हार गए। ये कहने लगा कि दुशासन जा और उस पांचाली को केस पकड़ के भरी सभा में खींच के ला। वो दिन ये दुर्योधन भूला नहीं है जब इंद्रप्रस्थ के महलों में उसने ये कहा था कि अंधे का तो अंधा ही है। वो शब्द आज तक मैं भूला नहीं हूँ। भरी सभा के अंदर राज दरबार में द्रौपदी को बुलाया गया और आज दुर्योधन द्रौपदी से क्या कहता है सुनिएगा। रागनी के द्वारा क्या कुछ बताया कि मैं भूल्या ना सूं बात याद मेरे वो दिल्ली वाली दिल में। और बात ये है और उसके बदले तुझे क्या करना है वो सुन पांचाली। अब तार कैसा दी आज मेरे दिल्ली वाली दिल में तार के साड़ी हो तार के साड़ी नाचना होगा देखी मैं दिल में भूलिया ना सू बात आज मेरे दिल्ली वाली दिल हंसती थी मन अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी।
को बात याद मेरे दिल्ली यारी दिल में भुला ना सो बात याद मेरे दिल्ली यारी दिल में सुनी ऐसे तीर उसने बोलियों के जब मारे
तो पांचों पांडवों की तरफ लखाने लगी। ये कहने लगा कि बुलाओ पांचों पांडवों को, अगर आज दुर्योधन के सामने एक भी बोला तो ये दुर्योधन उसकी जुबान काट के फेंक देगा। लास्ट कली में क्या कहने लगा, क्या बताया? ओए होए, यही बात है। अरे मैं इकला ना रांड तने न्यू जगत तमाम कहे से, पांच खसम तेरे खसम नहीं इन्हें तेरा गुलाम कहे से, लड्डन सिंह राजबल भी तने बिना लगाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कहे से, किसी को अंधा किसी को तू क्वारी का जाम कहे से। अरे बड़े दिनों से हो, बड़े दिनों से चक्कर में था, हाथ लगी मुश्किल सो बात आज मेरे दिल्ली यारी दिल में तार के सारी, ओ, 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 तार के सारी नाचना होगा हर बंदे की महफिल में, भूलिया ना सो बात आज मेरे दिल्ली यारी दिल रे माँ का राज न बाप की चौधरे, ओए होए और प्यार रहा न भाई का, हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का, ये हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का, हर माँ का राज न बाप की चौधरियों प्यार रहा न भाई का, हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का, ये हो गए मर्द गुलाम पीर के दादा कवि ने लिखना चालू करया और बताया कि भाई आज का जमाना किस तरह का हो गया है, और के भाई माँ का राज ना बाप की चौधर और प्यार रहा ना भाई का, अरे हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का, यहाँ से लिखना चालू करा के छोरे के ब्याह को दो दिन नहीं होते और तीसरे दिन घर के हालात बदल जाते हैं, घर के चूल्हे चाखी अलग और किस तरह का परिवार में होता है साथियों, क्या बताया? ने लिया चारज घर की ताड़ी का, अच्छी भुंडी बकते छोरे कह मन के प्यारी का, खाली हाथ बहन चली जा सूट से मात साड़ी का, अरे जुमा से नंगा हट ना कुर्ता से मतहारी का, कुर्ता से मतहारी का, सास ससुर भी इसे ढिसर जा, सास ससुर भी इसे ढिसर जा, जमाल जमाई का, हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का, अरे हो गए मर्द गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का।
या दूसरे नंबर पर बताया कि भाई बताते हैं बड़े बुजुर्गों में बड़ा प्यार होता था, पर आज अगर दुश्मनी है तो केवल भाई भाई की है, चाहे वो जमीन का बंटवारा हो, चाहे खेत का बंटवारा हो, चाहे घर का बंटवारा हो। साथियों अगर कचहरी में केस है तो केवल भाई भाई के 90% मिलते हैं। साथियों कवि ने समझाने का काम किया कि ये प्यार किस तरह भाई भाई का कम होता जा रहा है। साथियों किस तरह से क्या लिखा अगली कली में, भाई का भाई हो, भाई का भाई तेरी हो जा नाड काट ले रसोते की, बहू जेठ ने कह दिया वे आ पाडू मुझे न पूत के, सास ससुर की कदर इसी रे कदर गली के कूती, अरे इसी वीर के मर्द फेर भी नोक चाट ले जूते की, नोक चाट ले जूते की, ये सोजा सरन बांध जुड़ के, सोजा सरन बांध जुड़ के, लोटा ताप निभाई का ये होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, अरे होके मर्द गुलाम धोखा दे के परदेसी।
करते बावली पाठ्या ना करते। क्या बात है, सजना बताया दूसरी कली में कि जो इंसान अपना कर्म छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे और किसी आदमी की हत्या कर दे, सात जन्म तक वो पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। साथियों, किस तरह से दूसरी कली को लिखने का काम किया, क्या समझाया? ओए होए, मीठे और खाए का अरे अमृत जान जहर ने रपा को, अमृत जान जहर ने पाप ले जाता ना करते करिया ए मानस के सर ने जाता ना करते बावली जाता ना करते। के लोग पाप का हिस्सा हे घर के लोग पाप का हिस्सा बना ना करते घर आए मानस के सर में क्या ना करते बावली कोटा ना करते। सजनों, अंतिम कली के माध्यम से छोटे बड़े जो भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, जो भी श्रागणी को सुन रहे हैं, हर इंसान के जीवन में काम आने वाली बात चार लाइनों के माध्यम से इंसान को समझाने का काम किया कवि महोदय ने। आइए एक एक शब्द बड़ा अनमोल किस तरह से लिखा कवि ने। ओ मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे हम तो हैं बालक तेरे माँ शारदे सर दे मा सर दे मा
असर दे। क्या बात तेरी जय हो माँ। तू है दयालु बड़ी माँ भी नवानी, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी। हो मैया विद्या का कर हमको भी वरदान दे, आसार दे, आसार दे, आसार दे। ये हो खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ, तेरी जय हो माँ। कर दो कृपा माँ हम पे आज पूरी आसा, कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा। दर्शन हमें भी आ करके बार दे, मासार दे, मासार दे, मासार दे। तेरी जय हो माँ। मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना, सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। मेरी माता के जैसा माँ प्यार दे, माँ सार दे, सर दे, सर दे। हम तो है बालक तेरे माँ, सर दे, सर दे, सर दे, सर दे। बोलिए दुर्गे भवानी की जय। बीमार हो सकता
हो से। ये बात है हारमोनियम। जब गोकुल बुलाया था लड़की ने अली गोदी में और लड़का वहां लिटाया था। बात ये सोता लेकर सन को अपना दूध पिलाया था। अपना दूध पिलाया था जिसने दूध पिलाया उसकी से। ओ भाई क्या बात है। Thank you.
दिया तेरे अपना पेट पेट चढ़ा के कवर ओते संग बचा लिया जू मैं तेरी माला जू मेरा तेरे में ही रहे जिया ओ तेरे में ही रहे जिया बीमा हो से बालनिया बीमा हो से।